हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही यूनिक, जो सभी कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि यूपी पुलिस के अंदर कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट कब आएगी, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्योंकि वैकेंसी आउट हो चुकी है यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की और बंपर नंबर की सीट, मतलब टोटल 61,000 के अप्रॉक्स सीट पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल वे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना सीट आया है, कैटेगरी वाइज सीट कैसे है, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, कंप्लीट डिटेल वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी इसको लेकर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आपको पहले बताया है फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है। ये रिक्रूटमेंट आपको जो कराई जाती है जिस बोर्ड के थ्रू, उसका नाम है UPPRPB, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के थ्रू ये रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। टोटल पोस्ट जैसा कि बताया है 61,000 के अप्रॉक्स है, 60,244 सीट्स जो कि बाद में इंक्रीज भी कराई जा सकती है। आपकी वैकेंसी आ चुकी है जबरदस्त वाली। कैटेगरी वाइज अगर सीट की बात करें ना, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 24,102 सीट्स, ओबीसी के लिए 16,264 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, एससी कैंडिडेट्स के लिए 12,650 सीट्स एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1,204 सीट्स पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब रही बात की फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, तो आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा 27th ऑफ दिसंबर से। लास्ट डेट टू अप्लाई 16 जनवरी 2024 रखा गया है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, 27 दिसंबर से फॉर्म जैसे ही ऑनलाइन होगा आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि बाद में सर्वर इशू का आपको फेस ना करना पड़े। फॉर्म की अगर फी की बात की जाए तो सभी कैंडिडेट से 400 रुपीज यहाँ पे फॉर्म की चार्ज ली जाएगी। अब आगे देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहने वाली है। सबसे पहले देखेंगे कि एज लिमिट कब से कैलकुलेट होगा, तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 2 जुलाई 2023। जनरल कैंडिडेट्स मेल के लिए 18 to 22 ईयर्स, 18 से 22 साल के कैंडिडेट्स। जनरल कैंडिडेट फीमेल्स के लिए 18 से 25 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2001 to 1 जुलाई 2005, जो भी बच्चे का 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच का बर्थ है, जन्म है, वो सभी अप्लाई करेंगे। रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का एंड एससी एसटी को 5 इयर्स का मिलता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम की डेट क्या रखी गई है। तो फ्रेंड्स, आपका जो पेपर होगा ना 11 फरवरी 2024 को होगा, मतलब आपके पास मुश्किल से 2 महीने का टाइम है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि मतलब आई नो कि पहले से बच्चे सभी तैयारी कर रहे होते हैं, बट स्पीड को बूस्ट करो, सिलेबस कंप्लीट करो। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। योर सेलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर रिटन एग्जामिनेशन, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा पेन एंड पेपर मोड में, फिजिकल होगा सेकेंड स्टेज पे, थर्ड मेडिकल एंड लास्टली आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर तक पहुँचने से पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट स्टेज जो है आपका रिटन एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। आपका जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स दिए जाएंगे। टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग 0.50 की रहेगी। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो जनरल नॉलेज के 37 क्वेश्चंस, हिंदी के 37 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 55 क्वेश्चंस एंड मैथमेटिक्स के 21 क्वेश्चंस रहने वाले। सो ओवरऑल 150 प्रश्न होंगे परीक्षा में 300 मार्क्स के लिए। आई होप एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल होगा। आइए हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले इसमें आपका PST होता है, जिसमें हाइट, वेट एंड चेस्ट की मेजरमेंट होती है। हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम रखी गई है 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और फीमेल में जो ST कैंडिडेट्स है उनके लिए 147 सेंटीमीटर। वेट सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मिनिमम वेट 40 केजी होनी चाहिए। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 79 to 84, फीमेल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
देन होता है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसमें रनिंग होती है। मेल कैंडिडेट्स को 4.8 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है 25 मिनट में, फीमेल्स को 2.4 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है। सो आई होप कि फिजिकल क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सिंपल्स आपका होगा मेडिकल डीवी, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपको सर्व करना होगा यूपी के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। और वैसे ही आपको पहले बताया कि ऑफलाइन पेपर है, तो जो भी बच्चे हैं अदर स्टेट के जैसे बिहार, झारखंड, पंजाब, राजस्थान सब अप्लाई करेंगे, तो पेपर आपको यूपी के जहाँ पे भी सेंटर देगा वहाँ आके देना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद आपको सैलरी क्या दी जाएगी। आपकी जो सैलरी होती है ना वो ग्रेड पे की बात करें तो 2000 रुपीस होती है सैलरी, 5200 रुपीस टू 20200 रुपीस होता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मंथली सैलरी 21700 रुपीस से स्टार्टिंग होती है। आफ्टर पर्सनल अलाउंसेस आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है, बाद में प्रमोशन वगैरह भी होते हैं। तो इसके लिए आप अच्छे से मेहनत करो, अभी वैकेंसी अच्छे खासे नंबर ऑफ सीट पे आई है, तो आप ऐसा सोचो कि एक सीट आपका हो ही गया हो, ऐसी तैयारी को रखो। और जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उसको समझने में अगर थोड़ी सी भी कहीं पे भी क्वेरीज वगैरह रह गई हो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ लेना। और अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जाके वहाँ पे फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।